हेलो एवरीवन, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि गुलाब की बहुत सारे लोगों की कटिंग लगती नहीं है। तो ये वाला तरीका जो है मैंने बहुत सालों पहले कहीं देखा था, मुझे याद नहीं है। हालांकि मैंने उस तरीके को अप्लाई करने के लिए ये चीज़ नहीं की थी, मैंने इसलिए की थी क्योंकि ये मेरा जो एक छोटा सा पॉट है, आप देखिए ये 4 अंगुल का होगा इतना सा ना, तो इसमें मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी और एक छोटा सा प्लांट रूटेड था वो लगाया था। तो इसमें पानी की रोज़ ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने इस चक्कर में, क्योंकि पॉट छोटा था, तो मैंने इस चक्कर में इसके पास में, देखिए ये मेरे वाटर प्लांट्स रखे हुए हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्पाइडर प्लांट है, बास्केट प्लांट है, अम्ब्रेला पाम है। इसके अंदर मैंने ये एक तो डेंथस की देखिए कटिंग लगाई थी, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एक कॉटन की जो कपड़ा है वो इसमें डाला था और एक इसमें दबा दिया था, और ये कब देख रहे होंगे आप सूत वाला नाड़ा, वो मैंने इस पॉट के अंदर दबा दिया था जिससे कि इसमें नमी बनी रहे और जो कटिंग लगाई हैं वो भी ना सूखे, और जो प्लांट छोटा सा मैंने कटिंग लगाया था जिसमें फूल खिल रहा है, और देखिए एक इस कटिंग में तो भी फूल आ रहा है, तो ये भी सर्वाइव करता रहा क्योंकि पॉट अगेन बहुत छोटा था। और आपको मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ, देखिए इसके अंदर मैंने 4 कटिंग लगाई थी, एक लगाई थी मैंने ये वाली, आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें ये शूट आ रहा है नया, ये डेवलप हो गई, एक ये देखिए ये वाली डेवलप हो गई, इसमें तो फूल आ ही रहा है, ये आ ही रहा है, फूल झड़ गया है, और एक कटिंग वो छोटी सी दिख रही होगी वो लगाई थी वो भी सर्वाइव कर गई है। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये सेट है बिल्कुल, और मुझे ये चारों ही कटिंग चाहिए, तो इस चक्कर में मैं इसको हिला नहीं रही हूँ। बट अगर आपकी कटिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो जाती हैं तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं। इससे क्या है, ओवर वाटरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कटिंग हमेशा ओवर वाटरिंग से ख़राब होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बस एक सूत का नाड़ा या कॉटन का कोई भी कपड़ा काट के, फाड़ के सॉरी, पतली सी स्ट्रिंग बना के, उसके स्ट्रिप बना के, वो एक सिरा आप किसी भी पानी के पॉट में और अगला सिरा उसमें गाड़ देंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा। और अगेन फिर से मैं कहना चाहूँगी ये चीज़ आपको कि डेट्स को फॉलो करिए कटिंग लगाने में भी। ये आपको डेंथस का मेरा पॉट से याद होगा जिसमें मैंने डेट को फॉलो करते हुए पहली बार कटिंग लगाई थी और 100% सक्सेस रेट रहा है। इसमें एक भी कटिंग ड्राई नहीं हुई है। ये कुछ सूखी हुई पत्तियों की सी कटिंग आपको दिख रही होगी, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले फिर से लगाई हैं, तो देखिए ये भी सर्वाइव करेंगी मैं 100% श्योर हूँ। रेगुलर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बस मैं फूलों की पिंचिंग करती रहती हूँ और डेंथस पूरे साल भर आपके गार्डन में रह सकता है। आज है अष्टमी, तो देखिए सबके यहाँ दुर्गा माता की पूजा हुई होगी, अयारी आपने की होगी, उस भस्म को कहीं इधर उधर मत डाल के आइएगा। सारी भस्म जो भी है आप यूज़ किए, आपने पूरे उपले से बनाया है अपना भस्म, उसको पूरा ऊर्जा जल के रूप में सारे पौधों में दीजिएगा। आप देखेंगे आपके पौधों में नई जान आ गई है, मिट्टी की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है वो, तो उसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। और ये वाला मेथड भी अप्लाई करके देखिएगा, आई होप आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। और वैसे तो देखिए मैं थोड़ा सा यही कहूँगी कि मई जून थोड़ा निकलने दीजिए, सॉफ्ट कटिंग्स आप लगा सकते हैं जिसमें बहुत, जिनकी डंडियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं, लाइक कॉलियस हो गया, पोर्टुलोका पार्सलेन हो गया, या मैं आपको और भी शेयर कर दूँगी कौन कौन सी इस टाइम पर आप कटिंग लगा सकते हैं, तो अगले वीडियो में शेयर करती हूँ। और कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके बीज से पौधा उगाएं, कटिंग से पौधा उगाएं, जिससे कि बिल्कुल लो बजट में आपके यहाँ गार्डन बनता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को अपने यहाँ पर ऐड कर सकें। और टमाटर के पौधे अगर पूरी तरीके से जल गए हैं तो ये टमाटर तोड़ के रख लीजिए, अगर हरे भी हैं और अगर पुराने काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं तो वो थोड़े दिनों में ही लाल हो जाएंगे, चिंता मत करिए, बस उनको तोड़ के रख लीजिए क्योंकि इस सूखे हुए पौधे पर टमाटर का फल जो है नहीं पकेगा। और ये देखिए मैंने हार श्रृंगार का एक बीज लगाया था, जर्मिनेट हो गया है, आप लोगों के साथ 19 को शेयर करती हूँ कि कैसे इसके बीज लगाने हैं जिससे कि आपके यहाँ जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहे। तो बीज कलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ से भी मिलते हैं, लगाना शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हो गई मेरी आज के लिए तैयारी, माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों की बगिया भी ऐसे ही महके, ऐसे ही खूब सारे पौधे हो गए। और सबसे बड़ी चीज़, केमिकल अगर आपने छोड़ दिया है ना तो माता रानी कृपा अपने आप ही बरसा देंगी, यकीन मानिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। और मेरा कल ना हो तो मेरा नाम सोनम ही रख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।